सरकारों की उदासीनता के कारण शिक्षा को बढ़ावा देने वाले शिक्षा प्रेरक आज भूखमरी के कागार पर हैं। सरकारी शिक्षा को लेकर एक तरफ तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जो आज ताजा मामला सामने आया है उससे तो यही लगता है कि शिक्षा के मामले में सरकारें सिर्फ दिखावा ही कर रही हैं। गोरखपुर के विकासखंड खोराबार और भटहट के शिक्षा प्रेरक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। आपको बता दें कि इन शिक्षा प्रेरकों की नियुक्ति फरवरी 2015 को की गई थी और ये शिक्षा प्रेरक विभाग द्वारा दिए गए सभी कार्यों को अपनी जिम्मेदारी समझकर करते चले आ रहे हैं, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण इनको अभी तक इनका मानदेय सिर्फ 2 महीने का ही भुगतान हुआ है। शिक्षा प्रेरकों का आरोप है कि पिछले 12 महीने से मानदेय भुगतान नहीं होने से उनका परिवार भूखमरी के कागार पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम पहले भी इस संदर्भ में प्रार्थना पत्र बीएसए कार्यालय को दे चुके हैं, इसके बाद भी कार्यालय से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, लिहाजा सभी शिक्षा प्रेरक भूख हड़ताल करने को विवश हो गए हैं। अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। हम शिक्षा प्रेरकों की नियुक्ति फरवरी 2015 से हुई है और फरवरी 2015 से आज तक मात्र 2 महीने का पेमेंट हम सबको मिला हुआ है। हमने इस सब्जेक्ट पर इस ज्ञापन को लेकर के जिला वैसे शिक्षा अधिकारी को भी सूचित किए, डीएम को भी सूचित किए, सबको सूचित करने के बावजूद भी हमें सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलते जा रहे हैं। हम सभी शिक्षा प्रेरक आज 12 माह से भुखमरी के कागार पर खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी सुधि न तो विभाग ले रहा है न तो शासन और प्रशासन ले रहा है। हमें मजबूर होकर के जब हमने 2 तारीख को चेतावनी दिया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारी मानदेय का भुगतान नहीं होता है तो हम 12 तारीख से धरना और भूख हड़ताल पर बैठेंगे।